दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले कि हम लोग कैसे यहाँ पे ICICI बैंक का एक इंस्टेंट सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसको ओपन करना बहुत ही इजी है और दोस्तों इस इंस्टेंट सेविंग अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा जो कि दोस्तों यहाँ पे किसी भी सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलता है। आपको एक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको यहाँ पे सिविल्स को चेक किया जाता है या फिर बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है, पर दोस्तों इस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद फ्री में आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा जिसकी कोई एनुअल फीस भी आपको नहीं देनी है। दोस्तों इस अकाउंट को आप लोग कैसे ओपन कर सकते हो, इस अकाउंट को ओपन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और इसकी जो भी सर्विसेस है जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया या फिर मोबाइल बैंकिंग हो गया, इन सारी चीज़ों को आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते, इस सारे चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर आप लोग कोई भी चीज समझ नहीं पा रहे हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। और अगर आप लोग नए हो मेरे यूट्यूब चैनल में तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगर एक इंस्टेंट अकाउंट ओपन करने है ICICI बैंक में तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे आपका मोबाइल का या फिर लैपटॉप का कोई भी ब्राउजर यहाँ पे ओपन कर लेना है। ब्राउजर में आप लोग यहाँ पे जो इनकॉग्निटो मोड होता है या फिर जो प्राइवेट टैब का ऑप्शन होता है उसको आप लोग एनेबल कर लीजिए। उसके बाद आपको एक यूआरएल पे जाना होगा, यूआरएल का एड्रेस है buy.icicibank.com। इस यूआरएल पे आपको जाना है, यूआरएल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको वहां से भी ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप लोग ICICI बैंक के वेबसाइट पे जाके जो सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे आपको दो अकाउंट का ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों अकाउंट में आपको कुछ फीचर्स यहाँ पे अलग अलग मिलते हैं। जैसे आपको इंस्टा सेव जो अकाउंट है इसमें आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है जो कि 10,000 रुपए। इस अकाउंट में दोस्तों आपको हर महीने 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और दोस्तों दूसरा जो अकाउंट है वो इंस्टा सेव FD अकाउंट, इसमें आपको 0 बैलेंस अकाउंट मिलता है। मतलब की दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना नहीं पड़ता है, आप इसको 0 बैलेंस भी रख सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको यहाँ पे 10,000 रुपए का FD करना होगा, वो भी 1 साल के लिए। ये मिनिमम है, आप लोग इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस अकाउंट के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप लोग नीचे जो नो मोर का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस FD अकाउंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो मिनिमम FD अमाउंट है वो 10,000 रुपए है और आपका जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो 12 मंथ्स का, मतलब की 1 साल का। उसके बाद आपको ये जो आप लोग FD कर रहे हो 10,000 रुपए, इसके ऊपर आपको यहाँ पे 5.15% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ICICI बैंक का एक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा जिसमें दोस्तों आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी या फिर दोस्तों कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं देने होते। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा जिसका लिमिट यहाँ पे 1,00,000 रुपए है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पे ICICI बैंक के जितने भी एप्लीकेशन आते हैं जैसे आई मोबाइल या फिर जो इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीजें भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस अकाउंट से। तो ये देखते हैं हम लोग कैसे अपना अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आप लोग इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का बटन है उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डालना होगा। ये जो मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे डालोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसमें आपके OTP वगैरह या फिर दोस्तों बैंक से जो भी सारे मैसेज आएंगे इसी नंबर पे आएंगे। तो दोस्तों आपका जो भी परमानेंट नंबर होगा तो वही नंबर आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद आप लोग एक वर्किंग ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए जिस ईमेल एड्रेस पे अगर आपको कोई ईमेल आता है तो वो आप लोग एक्सेस कर पाओ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चेकबॉक्स है जिसको आपको यहाँ पे टिक कर देना है और नीचे आपको आपको जो पैन कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। पैन कार्ड का नंबर टाइप करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को डाल के आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग पास में देख सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया। इसके बाद आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे डालना है और डालने के बाद नीचे जो चेकबॉक्स है उसको यहाँ पे टिक कर दीजिए। टिक करके प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP आ जाएगा। OTP को आप लोग देख के यहाँ पे टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आप लोग नीचे जो कंटिन्यू बटन है उस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी। सबसे पहले कि आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपनी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब कि आप लोग क्या करते हो। और उसके बाद अपनी एजुकेशन, मतलब कि आप लोग अंडर ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट एंड
अबव हो तो वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप अपनी जो इनकम रेंज है, मतलब कि आप लोग साल में कितना कमा लेते हो, वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका जो नॉमिनी है, मतलब कि आप लोग अपने फादर को नॉमिनी करना चाहते हैं या फिर अपने मदर को नॉमिनी करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और दोस्तों उनका नाम यहाँ पे टाइप कर देना होगा। और उसके बाद नीचे आपको अपने जो नॉमिनी है, मतलब कि आपके फादर का या फिर मदर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप कर देना होगा। डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपने फादर का या फिर मदर का जिसका भी नाम यहाँ पे डाल रहे हो उनका आधार कार्ड में देख के या फिर पैन कार्ड में देख के वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप कीजिएगा। अंदाजे से अगर आप लोग कोई कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आप लोग नीचे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू बटन क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस होगा, मतलब कि आधार कार्ड में आपका जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और नीचे आपको आपका जो बर्थ और प्लेस है, मतलब कि जहाँ पे आप लोग पैदा हुए हैं, वो जगह आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी। तो आप लोग उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद दोस्तों नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस और दोस्तों आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, अगर दोनों सेम होता है तो आप लोग इसको यस कर दीजिए, वरना अगर आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस अलग होता है, मतलब कि जो आधार कार्ड में एड्रेस है आप वहाँ पे नहीं रहते हो, आप लोग किसी दूसरी जगह पे रहते हो, तो आप लोग अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर बैंक की तरफ से कोई एग्जीक्यूटिव आपके पास आता है आपका जो वेरिफिकेशन उसको कम्प्लीट करने के लिए, तब इस एड्रेस पे ही वो आएगा। तो आप लोग जहाँ पे रहते हो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। तो हमारे केस में यहाँ पे हमारा जो परमानेंट एड्रेस है, मतलब कि जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है, हम लोग वहीं पे रहते हैं, तो हम लोग कम्युनिकेशन एड्रेस भी सेम रखेंगे, मतलब कि इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो FD का अमाउंट है उसको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। आप लोग चाहे तो इसको बाद में भी कर सकते हैं, पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो 10,000 रुपए है, तो आप लोग यहाँ पे 10,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ईयर कीजिएगा 1 ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और मंथ पे आप लोग 0 सेलेक्ट कर लीजिए 1 साल के लिए। अगर आप लोग 1 साल से ज्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग वो यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आप लोग उसको चाहते हो तो आप लोग यस कर दीजिए, और अगर आप उसको लेना नहीं चाहते हो तो उसको नो कर दीजिए। तो हमारे केस में हम लोग उसको लेना चाहते हैं तो यस कर देते हैं। यस करके नीचे जो कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने अभी तक जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है या फिर जो फिलअप किया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप लोग कुछ भी चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे एडिट बटन है, उस पर क्लिक करके आप लोग उसको एडिट कर सकते हो और दोस्तों एडिट करने के बाद उसको सबमिट कर सकते हो। तो हमारे केस में यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम लोग नीचे जो कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आता है जिसको हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से हमारा जो मोबाइल नंबर था उस पर एक OTP आएगा, OTP का हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे, टाइप करके कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या अपना जो 10,000 रुपए का FD अमाउंट है, क्या अभी पे करना चाहते हैं या फिर बाद में पे करना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी पे करना चाहते हैं तो फंड अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप लोग बाद में करना चाहते हैं तो इसको स्किप बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो हम लोग अभी करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे फंड अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेमेंट पोर्टल मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग नेट बैंकिंग या फिर ATM कार्ड को इस्तेमाल करके अपना जो 10,000 रुपए का अमाउंट है उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे HDFC का जो इंटरनेट बैंकिंग उसको यूज करने वाला है, उसको यूज करके हम लोग यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं। आप लोग चाहे तो अपने ATM कार्ड का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो आपको कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पे दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुल। उसके साथ साथ आपको एक ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे आपको कंटिन्यू बटन मिलेगा, तो आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब कि दोस्तों आपका अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और दोस्तों नीचे आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी सारी डिटेल्स है, जैसे कि आपका ब्रांच का नेम, आपका ब्रांच का IFSC कोड, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद दोस्तों आपका फिक्स डिपोजिट नंबर, आपका फिक्स डिपोजिट का अमाउंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और दोस्तों इसके बाद एक और काम बचता है जो कि आपके अकाउंट का KYC कंप्लीट करना। KYC आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है आप लोग ऑनलाइन KYC कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट वीडियो KYC के एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आप लोग अपने मोबाइल फोन से अपना KYC जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपके लैपटॉप पे कैमरा लगा हुआ है तो आप लोग उसको यूज करके अपना जो KYC उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बस वहाँ पे अपना जो पैन कार्ड है उसको वहाँ पे कैमरे के सामने पकड़ना होगा और दोस्तों एक व्हाइट पेपर पे अपना जो सिग्नेचर
कैप्चर है उसको करके आपके कैमरे के सामने उसको दिखाना होगा। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे आपका जो KYC उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको जो भी प्रोसेस है अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से आप लोग ऑनलाइन अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली ब्रांच पे जाके अपने KYC कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग अगर बैंक से कॉल करके मतलब कि बैंक से यहाँ पे अपने लिए एक बैंक का जो एग्जीक्यूटिव है उससे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, वो आप घर पे आके आपका जो KYC है उसको कंप्लीट कर देंगे। या फिर दोस्तों आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो करने हैं मतलब कि पैन कार्ड आधार कार्ड यही चीजें आपको वहाँ पे शो करनी होगी जो आपने अकाउंट ओपन करते वक्त वहाँ पे दिया था। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। जैसे कि दोस्तों आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके घर पे 5 दिनों के अंदर अंदर पहुंचा दिया जाएगा बाय पोस्ट। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप लोग क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको 2 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगा। SMS के थ्रू आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर भेज दिया जाएगा। उसको यूज करके आप लोग यहाँ पे अपना जो इंस्टेंट सेविंग्स FD अकाउंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के जितने भी सारे फीचर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको वेट करने की कब आपको आपका जो वेलकम किट है वो आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा। उसमें आपको आपका जो चेकबुक है, आपका ATM कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड, ये तीनों चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो iMobile एप्लीकेशन है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग iMobile एप्लीकेशन को रजिस्टर करना सीखेंगे। हम लोग कैसे iMobile एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप लोग जब इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, इसको आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक्टिवेट नाउ का एक बटन मिलेगा जिसको आपको क्लिक करना है। और दोस्तों एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके फोन से एक SMS जाएगा, उसके लिए आपके नंबर पे एक SMS बैलेंस होना चाहिए मिनिमम 1 रुपए का, या फिर दोस्तों आपके कोई भी अनलिमिटेड पैक अगर एक्टिवेट है तो उससे भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जब आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का टिक दिखेगा, नीचे आपको यहाँ पे 4 डिजिट का एक पिन जनरेट करना होगा। उसके लिए आप लोग यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आई वॉन्ट टू यूज फिंगरप्रिंट विथ 4 डिजिट पिन। अगर आपके फोन पे फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आप लोग उसको यूज करके भी लॉग इन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना होगा, साथ ही साथ नीचे आपको यहाँ पे एक 4 डिजिट का पिन देना होगा। 4 डिजिट कोई भी हो सकता है, वो आपको जो भी पसंद है आप लोग 4 डिजिट का एक पिन यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आपका पूछा जाता है कि आप लोग क्या अपने जो पॉकेट वॉलेट यूजर है या फिर दोस्तों आपका एक अकाउंट है ICICI बैंक में। तो हम लोग यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है लिंक माई एग्जिस्टिंग ICICI बैंक एंड एक्टिवेट पे क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो ICICI बैंक का अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपका जो अकाउंट नंबर है वो आप लोग जब अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट पे लॉग इन करोगे तो वहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा, उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करके दोस्तों यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा और उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको जो भी डेबिट कार्ड मिला होगा उसके बैक साइड पे दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स और उस अल्फाबेट के अंदर आपको एक नंबर मिलेगा जिसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि इस कार्ड में दोस्तों आपको हर एक ABCD करके यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं और दोस्तों हर एक लेटर के नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे आपको BF और O दिख रहा होगा तो आपके केस में अलग हो सकता है। तो जो भी आपको अल्फाबेट्स दिख रहे होंगे तो उसके नीचे जो भी नंबर आप लोग आपका डेबिट कार्ड पे होगा तो उसको देख के आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करके दोस्तों आपको इसको एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जो अकाउंट है मतलब कि जो iMobile बैंकिंग है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपको आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको सेट करने का ऑप्शन आएगा। अगर दोस्तों आपके फोन पे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपके फोन पे फिंगरप्रिंट सेंसर है तो ये वाला ऑप्शन आएगा, आप इसको यहाँ पे एनेबल कर लीजिए। एनेबल करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा और उसके बाद आप लोग बस अपने फिंगरप्रिंट पे अपना जो फिंगर है उसको एक बार टच कीजिए और आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप लोग डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे दोस्तों आपको आपके अकाउंट को मैनेज करने के लिए जो भी सारे ऑप्शन है जैसे कि दोस्तों बैलेंस चेक करना, स्टेटमेंट डाउनलोड करना, इसके अलावा अपने क्रेडिट कार्ड को और डेबिट कार्ड को आप लोग मैनेज कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन के थ्रू। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में जो डिटेल वीडियो है मैं दूसरा एक वीडियो
बनाऊंगा उसके ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग उसके बारे में मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल में तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जो नोटिफिकेशन बटन है उसको अनेबल करके जो ऑल नोटिफिकेशन उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा।